सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आज हम फिर से हिंदी विषय करने वाले हैं। तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था, किसकी कविता पढ़ी थी? हाँ, हमने पाठ 11 की कविता पढ़ी थी। और क्या कविता का नाम था? पेड़ पड़े बीमार। क्या? पेड़ पड़े बीमार। आशा करती हूँ कि आपने वह कविता दोबारा पढ़ी होगी और अपना कार्य पूरा करा होगा। तो बच्चों, आज मैं पाठ 11 का पुस्तिका कार्य करवाने वाली हूँ। उसमें क्या करवाने वाली हूँ आपको, मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो चलो बच्चों, जल्दी से अपनी पुस्तिका खोलिए, जल्दी से अपनी हिंदी की पुस्तिका खोलिए, जिसमें एक नया पन्ना खोलिए और आज का दिनांक लिखिए। और आज का दिनांक हमारा क्या है? 18/1/24। 18/1/24। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप में जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगी, वैसे वैसे आप पुस्तिका में बहुत सुंदर कार्य करेंगे। तो लाल लाइन छोड़ के पहली काली लाइन पे क्या लिखेंगे हम लोग? पाठ। कौन सा पाठ है हम लोगों का? 11। पाठ 11। पहली काली लाइन पे हमने क्या लिखना है? पाठ 11। अब पाठ 11 के बाद हम एक और काली लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। अब चलिए एक लाइन और छोड़िए और हम शुरुआत करते हैं प्रश्न एक से। तो बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोग लिखेंगे, लिखिए प्रश्न एक। प्रश्न एक। तो हमारा प्रश्न क्या है? कौन बीमार हो गया था? फिर से दोहराती हूं, कौन बीमार हो गया था? और प्रश्न का चिन्ह। तो बच्चों, कौन बीमार हुआ था? हाँ, पेड़ बीमार हुआ था। तो चलिए एक और काली लाइन छोड़िए और उत्तर लिखिए और फिर लिखिए पेड़। पेड़ को कैसे लिखेंगे? पापे एक ही मात्रा और द। पेड़ बीमार हो गया था। पेड़ बीमार हो गया था। और आखिरी में पूर्ण विराम। तो बच्चों, एक चीज आपको बताऊं, हम ये कैसे याद कर सकते हैं? प्रश्न में तो ये लिखा है ना, कौन बीमार हो गया था, कौन की जगह हम बस क्या लिखेंगे? पेड़। और उसके बाद बीमार हो गया था, वो ही पूरा उत्तर में हमें लिखना है। तो फिर से मैं दोहराती हूं, पेड़ बीमार हो गया था। और ध्यान रखिएगा, हर वाक्य के बाद हमें पूर्ण विराम डालना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक और लाइन छोड़िए और हम जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न, चलिए बच्चों, सबसे पहले लिखिए प्रश्न दो। सबसे पहले लिखिए प्रश्न दो। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या हुआ? डॉक्टर बनकर कौन आया? डॉक्टर बनकर कौन आया? कौन आया था डॉक्टर बनके कविता में, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, बादल। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? एक और काली लाइन छोड़िए और फिर उत्तर लिखिए, डॉक्टर बनकर बादल आया। डॉक्टर बनकर बादल आया। फिर वही बात कह रही हूं कि प्रश्न में ही हमारा आधा उत्तर होता है। जैसे कि कौन की जगह क्या आ गया?
बादल। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर, डॉक्टर बनकर बादल आया। उम्मीद करती हूं कि आप बहुत सुंदर तरीके से इस इन प्रश्नों को आप लिख रहे होंगे, है ना बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक लाइन और छोड़िए और हम चलते हैं प्रश्न तीन पे। चलिए जल्दी से प्रश्न तीन लिखिए, देखते हैं प्रश्न तीन में क्या कहने हो। पेड़ों को क्या खिलाया गया, पेड़ों को क्या खिलाया गया, क्या खिलाया गया था जब पेड़ बीमार हुए थे। हाँ, पानी और खाद खिलाया गया, है ना बच्चों। पानी और खाद खिलाया गया था, पानी किसने खिलाया दिया था, बादल राजा ने, और खाद किसने दी थी, पशुओं ने। हाँ तो वही लिखेंगे हम लोग, पानी और खाद खिलाया गया और आखिरी में पूर्ण विराम, ठीक है बच्चों, शाबाश। चलो बच्चों अब हम आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो फिर एक लाइन छोड़िए और लिखिए प्रश्न चार। और हमारा प्रश्न चार क्या है, चलिए देखते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था कविता में, है ना। तो क्या देते हैं, लिखिए एक लाइन छोड़ के, पुत्र छाया फल और फूल देते हैं, छाया फल और फूल देते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैं जानती हूं कि आप लोगों ने यह अपनी पुस्तिका में बहुत सुंदर तरीके से ये कार्य करा होगा। तो चलो बच्चों घर पे अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।